सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग सत्र पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग सत्र पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सहे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालु के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारत वर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। ये सर्व लाभ संत रामपाल दास जी से दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। सत साहेब, सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं बन्ना जैसा जाट नहीं, तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं बन्ना जैसा जाट, मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की व्यक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया, सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया, शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा बाल्मीक सा जप नहीं,
शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं, मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है भगती की, दे दी जो उम्मीद कटोराला, सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी, भगती की बख्शा दे दी जो उम्मीद कटोरा, दरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं, दरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं, मेरा मीरा जैसा रस नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है भगती की, दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है, सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी, रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं, रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं, मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खीचड़ा खाया है भगती की, क्षा दे दी जो उम्मीद कटोराला, सत कबीर दवारे तेरे पैक विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तुले खेलाया है भगती की, भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोराला, सत कबीर दवारे तेरे पैक मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं, मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं, ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है भगती की, दे दी जो उम्मीद कटोरोला, सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारी, भगती की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा, धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं, धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं, जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं, मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है भगती की भिक्षा, मीद कटोरा लाया है, सत कबीर दवारे तेरे एक दास भिखारी आया है।
दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बिना भजन मसीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बिना भजन मसीर नहीं। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंडुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सद होई, गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ, गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बक्सीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी मात पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे मात पिता संतान कति ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे वहाँ माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा भाई, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहू को होवे। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र बलो, राम रटत निर्धन बलो, टूटी घर की छान वो सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो,
चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख ना ही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत कन्या बली, और साकट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथण, जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का, कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जब संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था, वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की क्षतिथि बताते हैं कि पछाड़ खाखा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये आत्मा माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोखो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बना लग रहा बोंडू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमन तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यू कह रहे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो फिर साहेब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है भाई कीजे अतंपोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है,
वो एक धनवान है, बाकी संसारिक संपत्ति भौतिक जिसके पास संपत्ति है उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया, ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है, सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं, सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं, फिर दिन में जब भी टाइम लगता है कोई मंत्र कर रहा है, कोई सीमन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना, उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न्यू बोला उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं, तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं, फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे समाचार सुन लेते हैं सारे दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं तब तक वो कुछ भी करता रहे, और सपने में भी भगवान याद ना करो उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। कहते वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे वो कितने को बद करो उनको कोई हानि होने वाली नहीं है, और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे, और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, ज्योत भी बोल दी, चौथी हाजिरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो, ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा, स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को, तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है,
आप जी को सतगुरु मिले, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत भक्ति मिली है, और फिर आप साधनाएं सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा, आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमोनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना, जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है, और फिर ये सोचे कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसके ठाठ हो रहे हैं, तो वो भी आप इस ज्ञान से सोचना कि जब बैटरी किसी ने चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की, और आगे चार्ज है नहीं, उनके पास लाइट कनेक्शन नहीं है, और उनकी बैटरी वो फिर भी उनके पंखे जल चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, तो इसे अंडरस्टूड है, अनजान से अनजान व्यक्ति आजकल समझ सकता है कि वो बैटरी कितने दिन चलेगी। एक दिन एंड होगा और फिर अंधेरे में बैठेंगे, वे गर्मी में मरेंगे। इसी प्रकार जब तक पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है पूर्व जन्म की, तब तक वो आपको सुखी दिखाई देते हैं, तो कितने खोटे खोदो, और आप अच्छे भी कर रहे हो और फिर भी महसूस करते हो हम दुखी, आप दुखी नहीं हो, आपके ऊपर तो ना जाने के कहर टूटना था, भगवान ने आपका आपकी रक्षा कर रखी है। तो इस करके संसार की तरफ ना देख करके परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। कहते हैं चाहे कितना बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, कोट भी लगा हो, यदि वो भक्ति करता है, सत भक्ति करता है, तो उसका रोग भी ठीक होगा, उसको मोक्ष भी मिलेगा, और जो सुंदर शरीर है सारा दिन इसे के अपने देख रेख में इसी के गर्व करते हैं और भक्ति करते नहीं, कहते वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख ना ही नाम। फिर कहते राम रटत कन्या भली और साकट भलो नपूत, बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है बिना ज्ञान के, वैसे पुत्र और पुत्री में हमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं। फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उस समय क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेसिक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास चले जाते थे झाड़ा दूड़ा लुवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटकिया करे, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्यर्थ का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोनी वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वह। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो मात पिता के गल में वो गलथना है, और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो मात पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी, तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जो पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टर्बेंस करेगा आपकी भक्ति में भी, और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा,
और जो व्यक्ति भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा उसने भी भगवान रक्षा करेगा, और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वह साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी, तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी, बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं, वो साकट बला न पूत जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, वो किसे काम का नहीं वो बेटा जो भक्ति नहीं करता। फिर परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो नाचाम। इस जिव्या का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाखे, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से इस जिभ्या से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती तो इससे अच्छा तो इसे निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया, क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है, और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्माओं ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है ताकतवर है गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है तो उसकी आत्मा दुखादी उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया, या किसी की निंदा करके लड़ाई करवा होगा, या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट जा जो भक्ति नहीं करते तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पावर हैं, दो शक्ति हैं, एक तो यह सर्वपुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको श्राप लगा हुआ है 100,000 मानव शरीर धारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से इसने यहां सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है और सब कुछ भगवान बना दिया, कहीं दो ईंट लगाकर कोई बना रखा स्थान वो भी भगवान मत्था टेको, कई मूर्ति बना रखी वो भी भगवान, और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान, इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै खै भी पता नहीं, कै खै इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कैक है पता नहीं, और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है, हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है, और झूठ को सत मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाना वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है,
और जब सत सामने आती है तो वो झूठी ही सत आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे, ये परमात्मा नहीं बताओ, और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे, किसके, विष्णु और शंकर जी के, इनसे ऊपर ही पता नहीं था, इससे ऊपर ऋषि एकादा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है, वो कैसा है, वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे, चाहे पवित्र विश्व ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी निराकार इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी, ये तो परमात्मा स्वयं आए, जो प्रत्येक युग में आते हैं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जट रखनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे, तो खाक विद्वान थे, वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है, चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में दिखा दो गीता राम कृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो, तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद और बकवाद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराण 18, ये पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सृजनहारा। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी, ते मूर्ति पूजा का लठी नंगडवा रखे नकलिया ने, वेद पढ़े और बकवाद अपनी गड़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 में, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया, शर पुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु भगवान मालिक, सर पुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योत निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है, और दूसरा अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है, और इन इनके दोनों के लोकमर ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, ये तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते है, और ये लोग तरह अवैश्य विवर्ति अवैश्वर है। तीसरे 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है, और उसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा इति उद्धारते, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की, जहां आपको हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं, वहां दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वृद्धावस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है।
तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी कोनी, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सर पुरुष का, दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और तीसरा लोक है सतलोक, और ऊपर के जितने 4 लोक हैं ऊपर सतलोक अलख लोक अगम और अनामी अकेलोक, वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है, अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो तीन लोक ये अलग हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक लोक, एक मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं, और तो परमात्मा भी नहीं है। श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में, रुद्र संहिता के अंदर यु काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे, भ्रमित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका रचयिता हूं, मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, और भ्रमित होकर विष्णु जी को ये भ्रम है कि मेरी नाभि कमल से विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और कुछ ऋषि जो साधना किया करते थे समाधि दशा के अंदर, ये काल क्या छल करता है कि अपने वास्तविक रूप में इसने नहीं दिखना किसी को, प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए ये अपने पुत्रों के रूप में किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में साधना काल में दर्शन दे देता है। जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह गुण गा दिए कि ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं, यही खुद मालिक है, मैंने समाधि में देखा, इससे ब्रह्मा जी की महिमा होगी। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए साधना में तो उसने विष्णु जी को भगवान बता दिया, 10-20 को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, 10-20 को ब्रह्मा जी के रूप में, 10-20 ऋषियों को दे दिए शंकर भगवान के रूप में। तो इन सभी ने अलग अलग इन्हीं देवताओं को सुप्रीम पावर मान लिया गलती से, और ये था, ये है काल भगवान जो छल छिद्र छल करता है इनके साथ, सच्चे परिचित नहीं होने देता किसी को। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा बाप कौन है, ये तो परमात्मा ने आके बताया कि इनके माता पिता कौन कौन है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उसमें क्या कहते हैं विष्णु और ब्रह्मा जी का आपस में, इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप। जब इन दोनों का युद्ध हो गया तो बीच में इसने काल ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। फिर ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने लगे, लंबी कहानी है। लेकिन उसी समय वो प्रकट हो गया वहां पर शंकर भगवान अपने पुत्र शंकर के रूप में। इन दोनों को समझाता है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ये क्या कहता है, ये सब मेरा है, मैं यहां का ईश्वर हूं। तो यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने निर्णय दिया है कि मुल्ला माया जग में, मुल्ला माया मग में बैठी, मग माने रास्ते में, और अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नो ठहराई भाई, और दसमा भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। गरीबदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान को देखा जाना, उसके पश्चात अपनी अमृतवाणी में कहा है कि ये ज्योत स्वरूपी यो काल कहता मैं ही परमात्मा हूं, और एक न करता दो ना करता नौ बना दिए भाई,
नौ तो जालिए इनके उछड़ कूद मचा के, और दसवां भी ऐसे ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सत कबीर दुहाई कि केवल एक कबीर परमात्मा जो है ये है अविनाशी परमात्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योति निरंजनी रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। तो हमारी बुद्धि कहाँ थी और हमारे ऋषि मुनियों की आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवाद पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्म गुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डुबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं, सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कव्वे की तरह दृष्टि रखता प्राणी, अर्जुन भगवान करके। और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेसक जइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने, हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तू अपना करना, मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करियो, चौथे युग में कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा, आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे, तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, काल ने जो फंद कर रखे हैं या हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे, धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ की साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है, ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक जुल्हा है, कबीर एक दानक है, छोटी जाति में था, इस तरह की कैसी धारणाएं थी। परमात्मा का उसे उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्सी प्राप्त होगा। या परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के यानी मेरे
उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे, चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहां सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वह आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती हो गए, भाई बहन है, अरे यहाँ तो पैसे के ऊपर दो मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बाप बेटे का झगड़ा हो जा, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोक है, सब चीज का अभाव है यहाँ पर, और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लठ दिए कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहां जाने के बाद ऐसे ही आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए और भगवान की शरण में आ गए, और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहां जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहां इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के महल उसमें आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी, अच्छा जो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फल दार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, हैं तो वो उसको, और उसमें वो बैठता कितनी देर है, या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाट करते थे, वह भड़ मारा है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता, वो सारे दिन टेंशन में रहता है, सब सुबह निकल जाता है, शाम ना आके गड़बड़ है, वो किस समय तो उस बाग में टहल लेगा, किस समय वो वहाँ घूमेगा, कब नहाएगा उस तालाब। तो वहाँ जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कहीं पहाड़ी देखते हो, किसी बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चला गया। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहाँ कोई काम नहीं, जैसे ही बाप को बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, अर की तक घूमो फिरो, खेलो कूदो चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आओ, आपने कहने की जरूरत नहीं। तो वहाँ ये है एक स्कूल विद्यालय है, आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम कर जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गुटी ये नाचना कूदना है, और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं, ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो, और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम उस सतलोक जाओगे, वहाँ ये सारे सुख मिलेंगे आपने, वह नाचियो गाइयो किसी तरह ठाट से रहियो, वह मौत हो को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के, सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था, अगले दिन बरात गई, दुर्घटना हो गई, दूल्हा भी मारा गया, और दूल्हे की कार में खास कर वे बैठा करें जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए, दो तीन तक बहन भी दुआ होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रो रो कर टाइम पास करना चाहिए आपने, मालिक को सौ सौ भी याद करके और भक्ति करके वहाँ नाचियो कूदियो, कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से, परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था, वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे, और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले सचखंड लेकर गए और छोड़ा सतलोक से, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलियुग मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए, तीन दिन तक वहाँ घुमाया फिराया और तो तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आँखों देखा और यहाँ की इस लोक की फिर उस लोक से तुलना करके बताई,
उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे सुडानी में और सत्खंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहिब की। आदने गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा और उस लोक को देख कर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहिब जी को जो वापस छोड़ा, परमात्मा ने जब वहां कहा कि मैं बनारस में हूं काशी में और एक जुलाहे का कार्य भी करता हूं और वहां अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूं, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहिब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते से में डुबकी लगाए थे बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहाँ सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी। और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है, अगर पृथ्वी पर यह ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहाँ भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक जुलाहे रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहिब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रगट हैं आज इस बनारस में काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है, आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहब जी फिर बड़े खुश हुए कि बन गई बात, यहाँ मिलेगा वो भगवान, अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तकत पर विराजमान हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर, वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नौ के नौ विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, जुल्हा धानक नाम से वहां लीला कर रहा हूं, और वहां आ जाना सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम दो अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है एक और गुप्त मंत्र है, जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सत के वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और, वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नज़ारा। तो सतलोक का नजारा देख के
और फिर नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सतनाम मिले और वाहे गुरु, वापस भेज दिए थे उसके बाद उन्हें यह रट लगा दी वाहे गुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं, नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पिंडी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे डटैनी का सतनाम वाहे गुरु सतनाम मिले वाहे गुरु। अब सिखों ने वाहे गुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी दो खास शिष्य थे जो नानक जी के साथ रहते थे, पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं, तो विरोध बहुत हो गया था। केवल दो भक्त रहते थे दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा एक गुरुदेव श्री लंका दिखाओ जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो, बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुन्द्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहे गुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ही सतनाम का सिमरन कर रहे थे दो अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था, आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे। तो वो सतनाम के दो अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले, मर्दाना पहले तो वाहेगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे दो अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे, जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते, नानक जी के आशीर्वाद से उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुन्द्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी वाहे गुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबन लग गया जल में, गोते खावे आए मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहे गुरु किया तो वो समुन्द्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था, नहीं तो ये नकली पंथ राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके तुलसी, वो शिवदयाल जी ने रोज गुरु ग्रंथ की ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था, ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है, अपने मनमुखी पांच नाम सेलेक्ट कर लिया, ओंकार ओंकार ज्योतिनंद सोम और सतनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास, इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी, इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में,
कहीं कोई सिख बच्चा इसको पढ़ ओम नाम का सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लगन दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं, और नानक साहब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का जो सावन सिंह जी थे, ये उसने चार पांच ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग एक दो तीन चार पांच तक लिख रखी पुस्तकें, चौथे भाग में लिख रखा कि सोए गुरु पूरा का वह दो अक्खर का भेद बतावे। हर ये पांच अक्खर वाले ये फिर पूरे कैसे वगैरह दस स्वामी वाले, पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था, और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुलुकदास जी को यही नाम दिया, दादू साहिब जी को यही नाम दिया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो दो अक्षर का मंत्र, और गीसादास जी की वाणी में यही है कि ओम सोहम जप ले भाई राम नाम की यह कमाई, पूरा शब्द है कि हर ये गीसा पंथाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन वो ओम सोहम उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप पर जाओ ये परमात्मा की। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, अरवा सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब वहां जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहेब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे, उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे होता तो खुद भी तो वही जाप करते, वो सही मंत्र, वो तो वैसे जैसे हम सतसाहेब बोलते हैं, ये सतसाहेब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहेब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव में गुरु और सब नकली है। तो यहाँ कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, अरवा सिखा के गलपड़ी में कौन छुटा बैठा। अब सभी वाहे गुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था, और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहेब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली और ये असली। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है, तो काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहां तक गुप्त रखा आप तक, नहीं तो पहले भट्ठा बैठ जाता जब डिस्क्लोज हो जाता थे। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि मैं अपने पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आपका। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे, और ये फाइनल हो चुके होंगे तब मैं अपने दास ने भेजूंगा, इनकी सब की पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वह नाचियो और गाइयो रोज, वहाँ सदा दिवाली, वह सदा त्यौहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सबके मकान अलग अलग हैं,
खरपतवार वृक्ष ये काजू किसमें सेब संतरे लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहिब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहिब जी को जो पता चला कि वो महाप्रभु वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देंगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहिब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। एक सेवक भेज दिया, एक दो सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा के से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहाँ खड्डी में, और नानक साहिब जी को जाके बताया कि ये हैं परमात्मा। अब वही स्वरूप वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है एक धानक के रूप में। तो नानक साहिब जी देखते ही गद गद हो गए, और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुतावार, लोगों यो धानक रूप रहा करता, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा धानक चुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ, अब आपकी बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो जाप करो, अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया, और कहें फिर सारनाम भी दूंगा आपको। तो उसके बाद नानक साहिब जी पहले तो 12 वर्ष तक उस उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के साथ मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मान्य नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। फिर जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहिब जी घर छोड़ कर, उसके बाद परमात्मा मिले और उनसे कहा कि आप अब अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सारनाम दूंगा। फिर नानक साहिब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे, लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोक है, एक एक पल का भरोसा नहीं कब बिजली गिर जा। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे, अगले दिन जिसका विवाह था वो भी मर गया और उन बेटियों के 2-3 बटे हुए भी पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ, अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहिब जी के पास भक्त जाते थे क्योंकि आम लोग भी जाने लग गए, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहिब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो, तो कहने कहा करते थे कि साध मिले साढ़ कहते हैं ना जाने काल की कर डारे और किश्वी दिल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसा भी। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं थोड़ी देर में कि ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे या ना जाने काल की कर डारे और किस भी ढड़ जा पासा वे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, एक मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा उन्हानु केड़ा हंसा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूद बकवाद करें, या तो टाइम पास करना चाहिए भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करने पास करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष, अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है।
देखो किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी होगी, भगवान ने दे दी तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जो जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें दो रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वह भगवान जरूर देगा, ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का अभाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो कि नहीं। जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल पांच नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहब जी ने नहीं दिया। और वो उस पांच नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? अब को सात देने थे, पहले पांच देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन पांच नाम से क्या होता है कि आपको संसारिक सुख मिलेंगे और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है, जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन पाकर आके आए हैं। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गई थी। वही आत्माएं हैं आप जी जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो, आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार नानक साहब जी वहां प्रचार किया करते थे। एक नानक जी तो ये सत्ज्ञान बताने वाले और लाखों की संख्या में भ्रमित करने वाले। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि एक बार समझ में आ गया सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त इस ज्ञान का जानने वाला एक तरफ, वो डटस से मस नहीं हो सकता। फिर भी नानक साहब जी कहते हैं कि मैं साध मिले साढ़े शादी होंगी, शादी माने खुशी, साध मिले साढ़े शादी होंगी भी छिड़ जा लगीरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति साधना, संसार से विरक्त होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कहते हैं मैं खुश होता हूँ जब मेरे भक्त जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में, जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं, यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगिरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए हैं। कहते हैं साध मिले साढ़ साधी होंगी, जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है,
और विछड़ जा दिलगीरी वे, जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हंसी खेल नहीं है, जहाँ लाखों लोग भ्रमित करने वाले और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साथ मिले साढ़ साधी होंगी, मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत तो मेरा खुशी होती है, और भी छिड़ जाए दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहां आते हो और पहले से भी बल्कि उमड़ कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है, और जब आप यहां से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है, दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे, हमने जाना सतलोक में, यहां भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेंगी, आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरण अगहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो आपने कनेक्शन ले लिया परमात्मा का, नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया, और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो परमात्मा वो पावर वाला काम बंद हो गया आपका, ना पंखा चलेगा ना ट्यूब जलेगी, तो आनी होगी फिर। ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर हैं और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने दो महीने छह महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई मारकर चले गए, आपके बैटरी चार्ज होगी यहां सत भक्ति दान धर्म करने तय, और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बैटरी यहाँ दो, यहाँ तो एक नाम का भी जाप आपको घना सुखी कर दे, और आप तो बहुत घने कर लेते हो दो चार महीने में, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, फिर भी भ्रमित हो गए तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहाँ की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी चार पाँच छः महीने, और आप भ्रमित होकर चले गए किसी और पंथ में, और वहाँ सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहाँ से जो कमाई करी वह साथ चलेगी, तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और फिर भी दुर्गति होगी, दास ने खूब देखा है, सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे कोई एक वर्ष भक्ति करता था, कोई दो वर्ष करते थे, ज्ञान ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है, उससे पहले तो परमात्मा की वाणी से ही ज्ञान सुनाता था और लाभ भी खूब होते थे। अभ्रमित कर दिया उनको, वो चले गए छोड़ छाड़ के। अब दास देख रहा है कि 10-10 वर्ष में ब्रह्म मट्टी करवा के दुर्गति करा के वापस आने लग रहे हैं, नाक रगड़ रहे, सर्वनाश करा लिया। अब पहले वो ये समझते थे कि हमने नाम भी छोड़ दिया, वहाँ की न्याराय है, हम ठीक हैं, अपना जैसे भक्ति ये करते रहेंगे, जो नाम ले रखा है ये कर लेंगे, घर पे कर लेंगे, और जाते रहे दूसरे स्थानों पर, जैसे कबीर पंथ के अन्य स्थान है, छुडानी है या कहीं और है, वहाँ जाते रहे। उनकी फिर वो जो बैटरी थी वह डिस्चार्ज होनी थी, जो यहाँ भक्ति करी साल दो साल, और फिर उनके वो भूत लगे नाचने, अब दोबारा आकर नाक रगड़ रहे यहाँ पर दुर्गति करवा करा के। दास को तो पहले पता था कि और ठिकाना नहीं धरती पर, ये कहीं भटक लियो, रो पीट के आना पड़ेगा यहाँ पे,
नहीं तो खत्म हो जाएंगे फिर ये, और कोई बचाने वाला नहीं पृथ्वी पे। इसलिए परमात्मा की जो भक्ति आपको मिली है ये सौभाग्य है आपका, और जो परमात्मा आपको मिले वो कितना समर्थ है। थोड़ी सी आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, यथार्थ ज्ञान कराते हैं, और यथार्थ ज्ञान करा करके वो अपनी महिमा से पुण्य आत्माओं को परिचित कराते हैं। इसी लीला करते हुए परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर भगवान आए थे, सतलोक से आए थे सहशरीर, और एक शिशु छोटे से बालक का रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर काशी में प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा धारणक उठा लिए गए थे, निसंतान थे, संतान की तरह पालना की। कुंवारी गाँव से उनकी परवरिश हुई, कुंवारी गाय का दूध पिया करते थे भगवान। 5 वर्ष के होते ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लगे, मुल्ला और काजियों के को पछाड़ दिया दाता ने। अब उधर से तो मुसलमानों के वो मुल्ला और काजी पीर भगवान से दुखी कि ये हमारी रोजी रोटी खराब करेगा, उधर से हिंदुओं के ये पंडित आचार्य शंकराचार्य ये दुखी कि ये धानक का लड़का बात ऐसी बताता है कि हमारे पास जवाब नहीं, और भरी सभा में पूछ लेता प्रश्न, हमारी बेइज्जती करता है। और वो इतने चतुर थे, परमात्मा सच्ची कहते थे, तुम्हारी पुस्तक में ऐसे लिखा, तुम बोल ऐसे रहे हो, वो पढ़ भी लेते थे फिर भी, क्योंकि समाज अशिक्षित था, बका देते थे, ये क्या जाने जो नहा, ये शिक्षा ग्रहण की नहीं, संस्कृति जानता नहीं, झूठा है, कपटी है। केवल ये था कि तुम्हारी रोजी रोटी बने रहे और बेइज्जती ना हो। अब परमात्मा दोनों धर्मों को समझाया करते थे, कहीं भी खड़े होकर के अपनी अमृतवाणी सुनाया करते थे। नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा। कबीर साहब कहा करते कि तुम यहां दावा बांधे बैठे हो, कोई कहते हिंदू अच्छे हैं, कोई कहते मुसलमान अच्छे हैं, कोई कहते हमारा ज्ञान अच्छा है, हम महंत हैं, हम फलान हैं, हम काजी, हम मुल्ला हैं, कहते वहां पर ये तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, भगवान के दरबार में तो सच्ची भक्ति काम आवेगी। क्या कहते थे भगवान, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है धर्म दारा, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, वो ना बैरा करता रा वहां तो नहीं है धर्म दारा, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, तुम क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है धर्म दारा, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा। मूल गवाए चले हो का जी, मूल गवाए चले हो का जी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है धर्म दारा, नहीं है धर्म दारा वहां तो नहीं है धर्म दारा।
बौझल डूब गए हो भाई, बौझल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मुँह काला, वहां तो नहीं है दारमदार, नहीं है दारमदार, वहां तो नहीं है दारमदार। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18, वहां तो नहीं है दारमदार, नहीं है दारमदार, वहां तो नहीं है दारमदार। जड़ को मूर्ख पत्ते खवावे, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये विसरे सृजनहारा, वहां तो नहीं है दारमदार, नहीं है दारमदार, वहां तो नहीं है दारमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये झोटा बकरा मारा, वहां तो नहीं है दारमदार। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारमदार। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, तुम्हारा किस विदर है अचारा, वहां तो नहीं है दारमदार। सो जजमान नरक में चले, समेत जजमान नरक में चले, और डूब गए सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदार। सो जजमान नरक को चले, सो जजमान नरक को चले, और बूढ़े सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदार। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लग गए यम का लारा, वहां तो नहीं है दारमदार। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदार। अब क्या बताया है कि उस दरगाह में धर्मराज है और लेखा लेगा सारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, परमात्मा खड़े होकर कहीं पर भी, गरीब कबीर साहब जी और ये ज्ञान सुनाया करते थे। और जो हिंदू धर्म के पुजारी थे, मुसलमान धर्म के पुजारी थे, वो अपने गुरुओं को जाकर बताते थे कि ऐसे ऐसे वहां खड़ा होकर के एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। वो आते थे, तू कहां से लाया ये बातें? परमात्मा बोले कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं, मैं खुद परमात्मा हूं और तुम्हारी पुराणों में, आपकी कुरान में ऐसा लिखा है। तो वो देख लेते थे, फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो अपना करते ही रहते हैं। कहते हैं, मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बैरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी। पायल की आवाज होती है, जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है, आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी के पैर के पायल की भी पैर सुन लय सुनता है। तो उस रुक के मारनते आवाज लगाना, ऊपर चढ़कर बंग आवाज देना, वो बैरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दिन भर तो रोजे रखे,
व्रत रखा और श्याम ने झोटा बकरा मारा, श्याम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी, दिन में भक्ति रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो इस तरह या भक्ति भी काम आन की नहीं है। अब क्या बताते थे गरीब कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं, और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है अल्लाह हे भगवान हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं कहते हैं, और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानू तुम्हारी बात सही है। पुण्य आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं, ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको, अभी तक तो अब सत को सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को, अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए, बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति, और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ डरता है, अगर ये सच होता तो सबसे पहले अपने कुनबे की करते, तुम परिवार की दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी ने बैठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरिया का नंबर कौन आन दे, भले पुरुषो तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत है बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना, परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान, अरे तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को, अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है भूखा, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है भूखा, इनमें कौन स्वर्ग में जागा, आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लग गया ये। और जय या रूत है बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला, भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद ना जाने बच्चे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाकू तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जेख्या व्या बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहाँ कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर, और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर, गोपी चंद भरतरी योगी शर्मा डारी दूर,
और दादू दास सदामत वारी झिलमिल झिलमिल नूर, जन रैदास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरमपुर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये सराज सरूद निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सुअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूअर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूअर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे, कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूअर, तो ऐसे भक्ति परमा ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं हलाल करते, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चे झटके तो मार लो और चे नू काट दो, ले तुम कटवाओ कुकुर कटवाओगे न्यू काट दूंगा ले तुमने। फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं कोई सा, स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को, तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीब दास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाय। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीब दास जुल्ला काजी, गरीब दास काजी कुटल तू कत्ल किया ओ झूदे। अब क्या हुआ कि इस तरह की परमात्मा की बातें सुनकर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था राजा था वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय, और कबीर जी के वो जो है कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे, और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शिष्य हो चुका था वो वीरदेव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धाणक है, एक हिंदू काफिर है, और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को विरस बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चली गई तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के कबीर परमात्मा को पकड़कर, दस दस गए सिपाही लेने के लिए और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिर लगे घसीट लिए,
साथी, दोनों उनको पकड़ लिया, वो बैठा दिया एक तरफ और कबीर साहब को वहां खड़ा कर लिया। हजारों लाख कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोदी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहां भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा। सिकंदर लोदी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया, दो टुकड़े हो गए गाय के और बीच में गर्भ था उस गाय के, मां बच्चों के चार टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोदी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के, गाय भी जीवित बच्चा भी जीवित, और लगा के बच्चा और दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीर। हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर, वो अल्लाह अकबर मैं हूं। चुटकी तारी थाप दे गूजवाई बेग, गरीबदास दूजन लगे दूध की भर दी देग। गौ हमारी अम्मा है इस पर छुरी ना बा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गौ अपनी अम्मा है ता पर छुरी मत बा, और गरीब दास की दूध को सब ही आत्म खा। गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, और गरीब दास एक काजी कुटिल तने कत्ल किया औजूद। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो भोले आदमियों, ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोतते तुम्हारे काम आवे, अरे इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव इंसान किसी की भी करो वो ही आपको पाप लगेगा, अरे इसका दूध खाओ, देखिए बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो, इस पशु को क्यों खा रहे हो, क्यों गोश्त खा गुलामा? अन धन तो को बहुत दिया क्यों गोश्त खा गुलामा, ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है? तो और काजू किस्म सेब संतरे दूध दही घी घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझा करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे मार करके अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लग्या करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है, ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है, ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में, और गरीबदास जी की वाणी अब दास बढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो।
परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा, और इन्हीं सत्संग ने कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन गई मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसा ही असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटबट करेगा बीच में, अपनी महिमा बनाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्म मट्टी होगी, कि थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो बस विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है, अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल ने बांट रखे, आप हमने तो भी एक होना है, और वहाँ चलना से तो लोग जहाँ से आए हैं, जहाँ से, यहाँ तो गंदा लोक है, 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ पर, अरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करते, गरीब दास उस सरे में झगड़े आन पड़ते, सुन का जी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाए, गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध। अब जिस माँ का दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं जननी का, उसको हम माता कहते हैं, और गाय का दूध पीते हो या भैंस का पीते हो तो इनको मारकर क्यों खाती, ये भी आपकी मात हुई, उसमें गाय ज्यादा होती थी इसलिए गाय ही में की महिमा ज्यादा गाई जा रही, नहीं तो भैंस में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं, वो भी दूध देती है, और उसको मरवाते हैं, उसको खाने वालों को बेचते, तो वो भी पाप है, ऐसा पाप नहीं करना हमने। जैसे गाय का आदर करते हैं ऐसे ही दूधारी जितने भी पशु सभी का, ऐसा जीवों का हमने इतना ही उसका ध्यान रखना है। फिर भी उसमें ये गौ माता, गौ जो है विशेष प्रचलित थी, तो हमारी माँ के तुल थी, और तुम दूध पीते हो माँ का, उसको माँ कहते हो, गाय का दूध पीते हो फिर इसको खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान को। गौ हमारी माता है ये पीवत जिसका दूध, गरीब दास का जी कुटिल यो कत्ल किया ओ जूद। गरीब दास जी तो अपना अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं भगवान से मिला हूँ, और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। गौ ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीब दास दर्ग है सरे गल में पड़े जंजीर, काजी पटक कुरान को ये उठ गए सिर पीटे, गरीब दास जुल्ला कही ये बानी अकल अदीठ। कि जब ये ज्ञान चलते थे तो शास्त्रार्थ करने आते थे भगवान से, और सिर पीट कर चले जाते थे काजी और मुल्ला, फिर लोगों को भरमाते थे, भटकाते थे, वो काफिर है, मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता, ऐसे हिंदुओं के गुरु कहते थे कि वो काफिर है, वो मुसलमान पैदा हो गया है, हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान के दुश्मन बना दिए थे अपने बाप के, हमारे को अनजानपने में। अब परमात्मा ने आपको पहले इंटेलिजेंट बनाया, शिक्षित बनाया बेटी बहन भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को, और फिर दास को इसके योग बना के परमात्मा के गुड रहस्य को समझ कर आप तक समझा सको। वो सदग्रंथ जो आज तक पहाड़ बने थे आज राई बना दिए दाता ने आपके सामने, मलाई बना दी, खाओ टटके।
जुल्ले दीन बिगाड़ी या ये काजी आए फेरे, गरीब दास मुल्ला मुर्गे तू अपनी अपनी बेर, मुर्गे से मुल्ला बहे मुल्ला फिर मुर्गे, गरीब दास दो जग धसे तुमने पाया नहीं स्वर्ग। कहते आज आप काजी बने हो, मुर्गे को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और मुल्ला बनेगा मुर्गा, स्वर्ग तक दूर रहा तुम यही चक्कर काटते रहोगे। कहते मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ले से फिर मुर्ग, गरीब दास दोजक नरक में गए वो पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पंडित है और बच्चे फिर कुरान, गरीब दास इस जुलम ते तेरे डूबे दोनों जिहान। कि एक तरफ तो तू भक्ति करता है, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरे काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को तू पढ़ भी रहा है। अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है? तेरे दोनों जिहान डूब गए, इस जन्म में भी तू दुखी होगा क्योंकि पाप करता है, और स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, सीधा नरक जाएगा। दोनों दीन दया करो, परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीब दास गऊ सूर में वो एक बोलन हार। वही जीव गौ में है वही सूर में है। तुम कहते हो हम गऊ मारते हैं वो सूर को काटते हैं, दोनों में भगवान की आत्मा है। तो सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूर, ना गाय खाओ ना सूर खाओ, गरीब दास सूर गऊ दोहु का एक नूरी, मुल्ला से पंडित बहे पंडित से बह मुल्ले, गरीब दास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि आज तो हिंदू कहते हम श्रेष्ठ हैं, हम पंडित हैं, और मुसलमान मांस खाते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। कहते आज कोई अरकाजी ये कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। तो परमात्मा कहा करते जो आज मुल्ला है अगले जन्म वो पंडित भी बन सकता है, और आज जो पंडित है अगले जन्म वो मुसलमान के घर जन्म लेकर काजी भी बनेगा, क्योंकि आपके पहले पूर्वजों के संस्कार मिले जुले थे, वो धर्म पहले नहीं थे, तो वो संस्कारों का आपस में लेन देन आपका चलता ही रहेगा, जिस कारण से हिंदू मुसलमान के घर जन्म लेंगे और मुसलमान हिंदू के भी घर जन्म लेगा, ये अपने कर्म है संस्कार। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित बहे और पंडित से बहे मुल्ले, गरीब दास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल, यानी तुम्हें बैर भाव तज के और अपना एक कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीब दास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल, भगवान के दरबार में दोनों की पटाई होगी तुम्हारी। कुकरी बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गदेरा सूर, गरीब दास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूर, घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोशे, गरीब दास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो को से। ओए ओए। रब की रूह को मारते और खाते मोरे मोरे, गरीब दास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे, यानी नरक भी नरा बनाया जाएगा ऐसे नालायक आदमी का, बात करें मुक्ति की और करें खावे मांस। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते दिन रात तो गलती कर रहा है, हे मुल्ला एक तरफ तो कहता मैं हक कर रहा हूं, मैं सही भक्ति कर रहा हूं, और
अनाथ जीवों को मार रहा है, तो बकरे का कोई धनी नहीं है, मोल ले लिया मार दिया, किसी राजा के बेटे ने मार के दिखा तू, जब जानू तू कैसा ताकतवर है। तो ये सभी बच्चे बकरी जीव जंतु उस पर धनी के बच्चे हैं और उनको तू मार रहा है। जब उसके दरबार में जागा, जब तेरी हालत खराब होगी, अब क्या बताते हैं कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुकड़ारे। ओए ओए, कहते बासमती चावल बना लो और उसमें खांड और घी डालो, बासमती चावल पक और गरत खांड टुकड़ारे, गरीब दास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। भक्ति करो उस भगवान की, ये भोजन खाओ ऐसा, और ये बुरे काम छोड़ दो, कूड़े माने बुंडे। फुलके धोवा दाल कर, कहते फुलके बना बढ़िया रोटी और दाल बना ले, अलवा रोटी खाए, गरीब दास का जी सुन ये मांस मिट्टी ना पकाए। कहते बढ़िया दाल बना, रोटी बना और अलवा बना ले, बट इतना अच्छा भोजन खाना तो ये खा, ये कुकर्म क्यों खाता है, ये गंध क्यों खाता है। अपने आत्माओं परमात्मा की महिमा को जानकर आप जी को एक तो ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे हम मुक्त होंगे। गरीब दास जी ने बताया है, प्रथम आद गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं, किलियम ओम सोहम सारम, ये गायत्री मूल उचारम, हरियम शरियम सुरत समोदम, ये पांच नाम पूर्ण परमोदम। ये थे वो पांच नाम परमात्मा जो दिया करते गरीब दास जी ने अपनी वाणी में लिख रखे। ये कैसे भक्ति करनी है वो अलग से एक फार्मूला लिख भी रखा गरीबदास जी ने, क्योंकि कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने कबीर भगवान ने गरीबदास जी को देना था और उसने अपने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी चैप्टर में लिखा है कि संवत 1774 सोई ता समय प्रेम प्रगट है सोई, और मेरी वाणी का प्रगट होगा और मेरी जो है ना ये 12 पंथ हमी को धावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावें, और वाणी साख हमारी दे जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावें, और बर में पंथ फिर हम ही चलावें। उस बर में पंथ में संत समाज 1774 में जो जन्म लेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी की महिमा का कुछ उजियारा सा होगा और उसमें उसको कोई समझ नहीं सकेंगे, ये कभी गरीबदास जी भी नहीं समझ सकेंगे, कबीर पंथी भी नहीं समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए फिर उस बार में पंथ गरीबदास के पंथ में हम ही आएंगे। परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया इस गुड रहस्य को खोलने के लिए। फिर क्या बताते हैं गरीबदास जी की वाणी आपको सुना रहे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सार नाम और सतनाम का भी एक झलक है, लेकिन सार नाम को कभी डिस्क्लोज दास ऐसे नहीं करेगा, आपने भी नहीं करना जिसने प्राप्त हो चुका है। ये परमात्मा का अटल वचन समझ लेना, क्योंकि नहीं अपराधी हो जाओगे भगवान के। अब कैसे परमात्मा मिलेगा ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो, परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है, वो तुम्हें पता नहीं है, वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें प्राण 18।
और पत्थर की पूजा करिए भूल गए सत्यनारा। अब क्या लिखा, गीता में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के, परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म विवरण माम अनुसम ये प्रयाति तजन देह सयाति परमागति, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है ओम, और इसका अंतिम सांस तक जो सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उच्चारण करके जाप करता हुआ तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते हैं। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता था, तू नहीं जानता इस बारे में। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चला चली थी बात, तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल मोह मंत्र है, फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है और वो तत्वदर्शी संत जानता उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था, गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छे नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासा वे, तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली, हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे यहाँ पर, हलवे खाओं यहाँ पर, प्रसाद पावर, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, वही परपटन की सैल राम रंग होरी हो, परपटन माने परलोक, पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो, पानी पवन ना संचरे रंग होरी हो, वहां चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहस्य के शीस राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर वो सोहम मंत्र या मैं नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लाद बैल राम रंग होरी हो, ये बैल पहल के ऊपर ख्याल दे सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने, कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है,
वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है, उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहां क्या बता रहे हैं, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य सके शीश राम रंग होरी हो, ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देह मा विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो, बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में, तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग ओरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो, उससे अलग एक और मंत्र है वो मिले जब बात बने, इन इन से भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा, ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए, उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है, इसके बाद कहती एक मंत्र और है वो इसके बिना काम नहीं करेगा और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छा कराम रंग होरी हो, या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो, और करोड़ों लाख मंत्र होंगे लोग बतानिए उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोम मुक्ता सेंद राम रंग होरी हो, ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त हो करके और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी के तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत, यहाँ पर इबरवालों तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोर ही देगा जिसके पास उस परख भी होगी धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गो लोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे, और कहते 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी लोक स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोकों को तो पासिंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासिंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी, पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक डंड ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से रस्सी से बांध के, तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर
व्यापारी लोग आते थे हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा, वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता था, जैसे गेहूं तोलने तो गेहूं से चार दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो पांच सात दाने बीस दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते हैं, तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गए जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गए तो सोचो पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दें, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचो पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी, तीन इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासिक नहीं। कबीर सब जग निर्धन धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ये है राम नाम। राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं, ये असली मंत्र है। राम का नाम है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सथिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके भजन उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे इसमें कितने, उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहां कोई तुलना ही नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपए ले और लाल सिर ले, और एक एक दिन में 1,00,000 रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार दो साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो जो सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं, यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहां से दीक्षा मिल गई सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो, मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और जाना मिटा लिया, हम तो कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सह परिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये लिख लेना की तरह एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ और आप भी पार हो गए। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर्म मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो उनको, कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप ही आएंगे आपके भाई बहन, विश्व के प्राणी
सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको भक्तों को जो सुख हुआ है भगवान से, उनके मुख कमल से सुनोगे आपको भी और दृढ़ता आएगी। सुनिएगा वो परमात्मा से प्राप्त लाभ उन बच्चों से जिनको भगवान की शरण में आने के बाद कितना सुख हुआ है, अब उनकी कैसे आत्मा गद गद हो रही है। मोक्ष भी मिलेगा पर यहाँ का भी सुख होगा। तो ये कबीर भगवान के अतिरिक्त हमें कोई दे नहीं सकता। अब सुनिएगा वो इंटरव्यू सत्साई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर आपका क्या नाम है? अजीत सिंह नाम है सर जी मेरा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? सर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं माँ दुर्गा की अटूट भक्ति करता था। ऐसा नहीं, बहुत अटूट भक्ति करता था। मुझे लखनऊ में निवास देने वाली माँ दुर्गा ही है और सब कुछ दुर्गा ही का मेरा हुआ, यहाँ बसाया हुआ घर है और सब कुछ बिन माँ के दुर्गा मुझे दिया। मेरे दो संतान भी दुर्गा जी ने के आशीर्वाद से प्राप्त हुई हैं और ऐसी प्राप्त हुई कि मैंने अभी तक कभी बच्चों को कभी टेटनेस का इंजेक्शन भी नहीं लगवाया है और जो कुछ होता था सब दुर्गा के आशीर्वाद से ही होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर कुछ आपदाएं आ गई और उस आपदाओं के कारण मैं बड़ा दुखी हो गया। मेरे कई बार एक बार दो तीन बार एक्सीडेंट होने से ही बचा मैं। मेरी पत्नी का भी एक्सीडेंट एक दो बार हो चुका था, मेरे बच्चे भी बड़े बीमार रहते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे लेटे लेटे मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि यार ऐसा इतना कष्ट क्यों आ रहा, जब मैं इतनी माँ दुर्गा की भक्ति कर रहा हूँ, हम लोग दोनों इतने लगन से भक्ति कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अचानक ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरा नाम लेकर के बोली कि अजीत तू इतना क्यों ऐसा घबराता है। तो हमने कहा जब मैं एकदम चौंक गया कि पत्नी मेरी नाम ले रही है। तो फिर मैंने पूछा आपने मेरा नाम क्यों लिया, बोले मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ। तो हमने तब मैंने ठीक आदमी को रुकी से मैं आपसे थोड़ा बात करूँगा। तो हमने कि जब मैं आपकी अटूट भक्ति कर रहा हूँ, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहे हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा एक वो बोला तो हमने कि घर के बिछड़े बन गए हैं, बनों में लग गई आग, बन बेचारा क्या कर जब करवल आ गई आग, तो हमने ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उसने कहा कि अभी तक तो जो आपके दुख थे वो मेरे हरने लायक थे, अब मेरे हरने से बाहर हैं। तो हमने कि ऐसा क्यों, जब तुम जग जननी हो तो ये दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं, मैं आपकी इतनी अटूट भक्ति कर रहा हूँ। तो अब इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो उसने हमसे कहा कि एक दिन याद करिए जब मैं एक बार आलमबाग में रहता था, शुरुआत में जब आया था तो हमने ऐसी मेरी वार्तालाप हुई थी दुर्गा से। तो हमने कहा था ऐसा क्यों हो रहा मुझे, ऐसे दिन हमें चलते रहेंगे। बोले एक दिन ऐसा समय आएगा तेरे कभी आपके दुख कभी आपको छू नहीं सकेंगे, एक ऐसा दिन समय आएगा वो। तो ऐसे ही मैं रात में लेटा हुआ था एक दिन, तो सारे कष्टों के निवारण, हम दो जने पहले परेशान थे, तो ऐसे लेटते एक दिन 2 बजे रात में करीब माँ दुर्गा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो हमने उस पर पूछा हमने ऐसा क्यों कष्ट हो रहा, तो बोले अब तेरा समय नज़दीक आ गया है, सारे कष्टों से निवारण मिलेगा आपको। तो हमने ठीक है, फिर दुर्गा चली गई। तो फिर मैंने भी पत्नी से कहा यार ऐसा क्या हो रहा है अपने साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। जब तो एक दिन सुबह मैं एक तांत्रिक के पास गया, तो उसने मुझे एक पर्चा दिया, बोले पर्चा पढ़िए। तो पर्चा मैंने फिर घर लेके आया, पढ़ा उसको, फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं एक दूसरे तांत्रिक के पास चला गया, उसने कहा कि अब ये तुम्हारे आपदाएँ हैं, पुराने जन्म के कर्म हैं, ये ठीक नहीं होंगे। फिर मैं चला आया, मैं परेशान रहा। फिर उसी रात में 2 बजे रात में माँ दुर्गा फिर मेरे साक्षात दर्शन हुए। उसने बोला कि अब जहाँ से तू पर्चा लाया उसी के पास फिर तू सुबह जा, वो तुझे सही राह बताएगा। फिर मैं सुबह गया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर मैं पत्नी को मैंने गया लेकर गया उसके पास। उसने कहा अब तुम ये है पर्चा पढ़ा है, अब चलिए मैं आपको संत रामपाल जी से गुरुदीक्षा दिलाता हूँ। जैसे उसी दिन फिर हमने संत रामपाल जी से गुरुदीक्षा ली, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में गुरुदीक्षा लेकर के आकर के जब मैं घर पर आया तो माँ दुर्गा की मूर्तियाँ हटा रहा था मैं उस समय। तो दोनों पत्नी में रो रहा था, तो उसी समय फिर दुर्गा प्रकट हो गई मेरे सामने। तो हमने कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आज के बाद तू भूल जा कि हमारी आपकी कभी मुलाकात हुई थी, आज से हम आपके साथ थे और साथ हैं, साथ रहेंगे। जिस विधान से रहता था उस विधान से नहीं रहूँगी मैं, अब मेरे ऊपर कोई और कोई शक्ति है जिससे तू गुरुदीक्षा ले रखी है तुझने।
फिर उसी समय में सारी मूर्तियाँ उठाई। रात को 11 बजे में जाकर के नखलों में एक गोमती नदी बहती है, वहाँ जल प्रवाह किया रात में हम लोग जा करके। फिर जा करके मैंने जो जिस जैसे जो बाराबंकी में नाम दान पर जो दीक्षा दिलाई गई थी तो उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे करना, वो मैं कर रहा था। मैं जो जलाया वैसे जो जलाते ही 2 मिनट बाद मेरे घर में पूरा प्रकाश सा फैल गया। हमने कहा ये क्या हो रहा है यार। तो मेरी पत्नी बोली कि ये लग रहा है कि जो हम लोग जो संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा ली है उसी का प्रभाव है। सर आपने अभी बताया कि आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, तो दुर्गा जी की पूजा करते करते आपको क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो बहुत कम हुए और समस्याओं ने ज़्यादा मुझे घेर लिया था। उस समय मेरे आँखों का रोशनी भी कम हो गई और चश्मा भी लग गया। फिर 2-3-4 महीने बाद मेरी लड़की के दोनों किडनियों में 40-40 mm का स्टोन हो गया। एक पित्त की थैली में इतनी बड़ी पथरी भी हो गई और उसी समय कि मेरी पत्नी की भी अंगुलियों में छोटे छोटे छाले पड़ गए। और फिर बेटा मेरा बेटा भी मेरा है 15 वर्ष का, तो उसके भी कभी कभी नहाते समय पेट में दर्द होने लगता था और नहाते नहाते कहीं लेटरिन बैठा है लेटरिन बैठ करते करते वो लेटरिन में उसके पेट में दर्द होने लगा था। कई जगह उसको चेकअप कराया, कुछ का लाभ नहीं होता था, कोई कुछ निकलते नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी से मुझे गुरु दीक्षा लेने से बहुत अनेक लाभ हुए। सबसे पहला लाभ तो मेरा यह हुआ कि मेरी नाम दीक्षा के 3 महीने बाद मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई जो मैंने 20 साल चश्मा लगा रखा था। धीरे धीरे जब एक दिन मैं भिंड में था रात को 2 बजे मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ तो स्टोन था, स्टोन वजह से दर्द हो रहा था। जब मैं लौट के आया तो मेरी बेटी एक बार संडे का दिन था तो उसने कहा डैडी जब आपकी गुरु दीक्षा लेने से पहले आपकी आँखों में चश्मा लगा हुआ था और जब आपकी आँखों की रोशनी आपके जगत गुरु संत रामपाल जी रोशनी ला सकते हो तो मेरे पेट की स्टोन भी गायब कर सकते हैं, तो हमको आप गुरु दीक्षा दिला लाइए। तो मैं तुरंत ही उसको मैंने गाड़ी में उठाया और बाराबंकी ले गया, उसको गुरु दीक्षा दिलाई। गुरु दीक्षा दिलाने के 3 महीने बाद मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड उसका कराया तो उसके एक भी स्टोन नहीं था और पित्त की थैली की गांठ भी गायब हो गई। फिर ऐसे ऐसे मेरा बेटा भी था 15 वर्ष का, तो वैसे ही उसको भी कष्ट था कि पेट में दर्द होता था उसको जब होता था। कई बार उसको चेकअप कराया था मैंने तो कुछ निकला ही नहीं, तो उसने भी ऐसे यही प्रश्न हमसे किया डैडी कि हमको भी गुरु दीक्षा दिला लाइए। उसको भी गुरु दीक्षा दिलाया मैंने, उसका भी गुरु दीक्षा दिलाने के बाद कभी भी उसके पेट में दर्द नहीं हुआ है। हमने पति पत्नी ने दोनों ने एक साथ ही गुरु दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज से, और जब से हमने गुरु दीक्षा ली है तो किसी प्रकार का हमको अभी तक आज तक कष्ट नहीं हुआ है। अभी जल्दी में ही एक मेरे साथ हादसा हुआ है आपके 27 नवंबर को। मैं लखनऊ से मिर्जापुर गया था, मिर्जापुर से मैं सोनभद्र जा रहा था, रात को 1 बजे मेरी गाड़ी के ऊपर नील गाय ने आक्रमण कर दिया था सीधे फानपुरी रोड के ऊपर। उसमें हम 5 आदमी सवार थे गाड़ी में और जरा सी गाड़ी बहकती तो मैं सौपट खाई नीचे रह गया होता। संत रामपाल जी का दिया हुआ मैं जो मंत्र था उस जाप कर रहा था, उस जाप के प्रभाव से मुझे जो है उस गाड़ी से मौत के मुँह से निकाला गया। उसी गाड़ी डैमेज गाड़ी की हालत में मिर्जापुर के आगे एक पड़ता शक्ति नगर वहाँ तक गया मैं और वहाँ से फिर वापस आया मैं और सब लोग देख रहे थे कि ये गाड़ी चल कैसे रही है। ये सभी कहते थे जो मेरे साथ गाड़ी में सवार थे बोले आपके जो गुरुजी हैं उनकी कृपा से ही आपकी गाड़ी चल रही है, उसकी कृपा से मेरी हम लोग 5-6 आदमी की जान बची है। जब से मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जब से मैं आया हूँ मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आ रही और न किसी प्रकार का कष्ट है। संपूर्ण रूप से हम लोग पूरे संपूर्ण से मैं सब लोग सुखी हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं? जी सर, यस सर, बिल्कुल बीमारी ठीक है क्योंकि कि जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उसी के आधार पर ये भक्ति बताते हैं। अभी तक जो हम भक्ति कर रहे थे वो कहीं ग्रंथ में कहीं भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, और जो भी धर्म गुरु जितने हैं संसार में वो सब लोक वेद के आधार पर ज्ञान देते हैं। हमारे जो संत गुरु रामपाल जी महाराज हैं वो सारे वेदों से प्राण में दिया हुआ ज्ञान देते हैं, इसीलिए हम लोगों के सारे कष्ट दूर हो गए हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं जन समुदाय को संदेश तक का मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी भाई बहनों से सारे जगत से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये लोक वेद है, लोक वेद में किसी प्रकार का मोक्ष नहीं है, कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देवी दुर्गा की भक्ति करिए या किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करिए, इनसे कहीं मोक्ष नहीं मिलेगा, ये लोक वेद है, कहीं मेरे ग्रंथों में नहीं लिखा है। और जल्दी जल्दी हो सके तो आप संत रामपाल जी के शरण में आकर के पूर्ण भक्ति बताते हैं, ग्रंथों के अनुसार सारी भक्ति बताते हैं,
उसी से मोक्ष मिलेगा। हो सके जल्दी जल्दी जाकर निकिश्रम में आप नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के लिए आज आज जो है कई चैनलों पर उनका सत्संग चल रहा है। सत्संग चलते समय एक नीचे पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम का नंबर आते हैं, उस नंबरों से आप कॉन्टेक्ट करिए या मैसेज करिए और वहाँ से आपको जो नज़दीकी केंद्र होगा वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर में जाकर के संत रामपाल जी से अपनी गुरु दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत्संग।